हाय एवरीवन सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ डीप वाटर राइट विच इज रिटन बाय विलियम डाबल्स चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर है कुछ वाटर वाटर की गहराई से के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है इस चैप्टर को हम लिया गया है विलियम डगलस की बुक मैन एंड माउंटेन से और ये जो चैप्टर डीप वाटर ये एक एक्सट्रैक्ट है उनके बुक मैन एंड माउंटेन से ठीक है अच्छा इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं हाउ विलियम डगलस के कैसे उनको उनकी लाइफ में आ, दो ड्रेडफुल एक्सपीरियंस हुए थे जिसकी वजह से वो वाटर से बहुत ज्यादा डरने लग गए थे एक तो हुआ था उनका चार साल की उम्र में और दूसरा हुआ था उनका बेटा ग्यारह साल की उम्र में ठीक है और इन दो इंसिडेंट्स की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में पानी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वो हमेशा दूर रहते थे राइट लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डेटरमाइंड रखते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि उनको इस वाटर के डर से ओवरकम होना है और इस चैप्टर में हम बहुत ब्यूटिफुली इस चीज को समझेंगे हाउ टू ओवरकम फ़ियर राइट विच इज ऑल्सो अ ग्रेट चैप्टर फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप लोगों की लाइफ में भी आप लोग इस चैप्टर को यूज कर सकते हैं कि कोई भी लाइफ में जो डर है वी हैव टू फेस इट So, जब तक हम किसी भी भी हमारे डर को भी चाहे वो पानी से रिलेटेड हो या फिर वो कोई लिजर्ड से डर हो कोई भी डर हो किसी भी चीज का फोबिया हो अगर जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे तब तक हम उस डर से ओवरकम नहीं कर सकते यही इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं पढ़ने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लेकिन उससे पहले थोड़ा जानते हैं हमारे ऑथर विलियम विलियम को जो हैं वो कब पैदा हुए थे was, uh, 1898 में and, uh, 1980 में एंड उनकी डेथ हो गई थी सो so बेसिकली बच्चे वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने यू नो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करी थी इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ही स्पेंट यू नो हिज टू ईर्स टीचिंग हाई स्कूल यकीमा में ओके okay? ही गोट टायर्ड ऑफ टीचिंग उन्होंने क्या सोचा कि वो परस्यू करेंगे लीगल करियर एंड देन वो किससे मिले थे रूजेवर्ल्ट फ्रेंकलिन डी रूजेवल्ट से मिले थे येल में एंड एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट नाउ डगलिस जो थे ही वो ए लीडिंग एडवोकेट आल्सो बट इन मेन एंड माउंटेस एज हेव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एक्सट्रैक्ट है ये एक्सर्प्ट और एक्सट्रैक्ट यू कैन से इट एनी वे यू नो ये मेन एंड माउंटेन से लिया गया है और ये विलियम डगलिस की खुद की कहानी है कि, कि वो नियरली डूब चुके थे स्विमिंग पूल में कैसे डूबे थे कब हुआ था इनके साथ ऐसे इंसिडेंट ये सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस चैप्टर ओनली राइट तो शुरुआत करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चे आ, वो बात करते हैं हमारे बताते हैं कि जब वो 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ना तैरना सीख लेंगे ही ही डिसाइडेड विल लर्न टू स्विम ठीक है अब वहां पर एक पूल था वाई एम सी ए यू कैन सी इट द कैपिटल ओके यकीमा में एक पूल था द नेम ऑफ दैट पूल वाज वाई एम सी ए एंड उन्होंने सोचा कि भाई यही सही अपॉर्चुनिटी है स्विमिंग लर्न करने की ओके okay. तो जो यकीमा है ना वो बहुत ही खतरनाक थी बहुत ही डेंजरस थी तो मदर हमेशा उनको डरा देती थी उनको कि भाई नहीं आप वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर ना उस रिवर में यकीमा रिवर में डूबने का बहुत ज्यादा चांसेस है दैट इज वाई उन्होंने बोला था कि ठीक है वाई में तुम सीख सकते हो ठीक है इट वॉज ओनली टू और थ्री फीट डी ठीक है एट द दो से तीन फीट था और जो दूसरा एंड था उनका वो डीप वाला नाइन फीट था ठीक है तो ड्रॉप ग्रेजुअल था धीरे धीरे वो ड्रॉप हो रहा था जो गहराई थी एंड आई गॉट अ पेयर ऑफ वॉटर विंग्स वॉटर विंग्स लेकर आ गए थे और वो पूल में जाते थे एंड यू नो ही हेटेड टू गो नेके एकदम नेकेडिकली सिर्फ ब्लूम जो होती है ना है ना उसमें जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उससे उनके स्किन दिखते थे बेसिकली नाउ स्टार्टिंग से ना उनको बहुत था, डर था बेटा ही हैजन वॉटर जब भी वो पानी में जाते थे अच्छा ये कब हुआ था ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि ना जब वो तीन या चार साल के थे ना और कैलिफोर्निया के, के, तो के बीच पर वो जो आई थी, उनको imagine, तीन से चार साल का बच्चा आ, उस वेव में गिर गया हो पानी में बीच में गिर गया हो एंड ही वॉज फ्राइटेड वो बहुत ज्यादा डर गए थे यह था उनका पहला इंसिडेंट जो बहुत ड्रेडफुल इंसिडेंट था उनके अकॉर्डिंग दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ फादर कहाँ पर इन uh, कैलिफोर्निया के बीच में राइट right? और माई ब्रेथ वॉज ब्रेथ चली गई थी लेकिन पहला इंसिडेंट था इंसिडेंट okay? से उन्होंने फर्स्ट पेज we'll आप देखेंगे उन्होंने टेन और इलेवन इन वाला इंसिडेंट बता रखा है राइट सो दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रिमेंबर नाउ आ, वो बात करते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन वाई स्विमिंग पूल से आ, कैसे उनको याद आती है उस वाईएमसीए पूल का जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था ना बहुत खतरनाक हुआ था बहुत ड्रेडफुल था ठीक है उनकी जितनी भी मेमोरीज थी ठीक है वो बचपन का जो डर था ना वो एकदम वो हिल जाते थे उस चीज को जब भी सोचते थे ठीक है लेकिन फिर भी ना बट इन इना लिटिल वाइल्ड आई गैदर कॉन्फिडेंस मैंने कुछ टाइम बाद कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया था आई पैडल्ड विद माय न्यू वाटर विंग्स मैं वाटर विंग से पैडल करने लग गया ठीक है और दूसरे लड़कों को देखने लग गया कि वो कैसे पानी में जा रहे हैं हाउ दे आर ट्रांस स्विमिंग तो मैं उनको देख देख कर आई यूज टू लर्न ऑन माई ओन विदाउट एनी स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ओके नाउ आई डिड दिस टू और थ्री टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज कभी कभी मैं करता था और जस्ट बिगनिंग टू फील आर टीज इन द मिस एडवेंचर ओके तो दो हफ्ते में दो तीन बार ना वो पैडलिंग करा करते थे सो ही वॉज ट्राइंग टू यू नो लर्न ऑन हिस्स ओन और धीरे uh, धीरे ना उनका एवर्जन जो उनका डर था ना पानी को लेकर वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया था तो बेसिकली जो वो हेजिटेट करते थे ना ठीक है पानी को लेकर वो धीरे हटने ही लगा था कि उनके साथ इतना ड्रेडफुल इंसिडेंट हो गया था व्हेन ही वाज टेन और इलेवन इयर्स ओल्ड ओके अब एक दिन की बात है तब ना उस पूल पर ना कोई भी नहीं आया था एंड वो सिटिंग अलोन एंड वेटिंग फॉर दी अदर बॉयज़ ओके बाकी सभी बच्चों के लिए लड़कों के लिए वेट कर रहे थे कि कोई उस पूल में आए देन ओनली ही विल स्टेप इन टू पूल ठीक है अब क्या होता है वो पूल में जाते हैं कोई भी नहीं था तो प्लेस बहुत शांत थी पानी भी एकदम शांत था एंड जो टाइल्स थीन एंड द टाइल्ड बोटम वो व्हाइट वाइट एंड क्लीन एस तब ठीक है और वो वेट कर रहे थे लोगों का और अचानक से क्या होता है अचानक से उसके चेस्ट पे उसके बाल थे और उसका फिजिक भी बहुत अच्छी थी लेग्स और आर्म्स उसके जो थे एकदम मस्तुल वाले थे ठीक है एंड एकदम वो चिल्लाए हाई ठीक है हा इसके नहीं हाँ, ठीक है कैसा लगेगा तुमको मैं यहाँ पे धक्का दे दू तो ठीक है Uh, और उन्होंने एकदम से मुझे पकड़ा और उस डीप वाटर में मुझको गिरा दिया एंड मैं जो लैंड करा मैंने वो एक सिटिंग पोजिशन में लैंड करा मैंने पानी को स्वेलो कर लिया एंड मैं बॉटम पर यू नो एट वन साइड इज द बॉटम मुझे बहुत डर बहुत डरा हुआ था बट नॉट येट इतना डरा हुआ भी नहीं था कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं और अपना दिमाग चलाना बंद कर दू बेसिकली तो जब मैं नीचे आ, उस प्रोसेस में था जब उसने मुझे धक्का दिया और जब मैं टू द बॉटम टूवर्ड्स द बॉटम में जा रहा था तो मैंने एक प्लान बनाया मैंने प्लान बनाया कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा ना मैं एक बिग जम्प करूंगा सो बेसिकली कैन यू इमेजिन इट नाउ कैन यू इमेजिन इट बॉटम में जा रहे हैं वो ठीक है और एकदम से वो जंप करेंगे वो और वो सोच रहे हैं कि जंप करके वो एकदम ऊपर आ जाएंगे ठीक है लेकिन यू you नो know, वो क्या सोचते हैं कि सरफेस पर आ जाएंगे ही विल फ्लैट ऑन इट और पैडल कर लेंगे पूल के एज पर कॉर्नर पर लेकिन आपको क्या लगता है कि लाइफ में हम लोग जैसा सोचते हैं वैसे ही हमको मिलता है क्या नहीं मिलता राइट ऐसा ही हमारे विलियम के साथ हुआ था और अब ना वो जो प्रोसेस था ना बॉटम तक जाने का वो उनको बहुत ज्यादा लंबा लग रहा था वो कह रहे थे दो नाइन फीट इंपॉर्टेंट ठीक like लग है फीट फीट मोर लाइक करा मैंने अपनी जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी ना ठीक है जितनी मेरी बॉडी में मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ थी मैंने उतनी लगा दी ठीक है और जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं स्प्रिंग की तरह ऊपर आ जाऊंगा वैसा ही मैंने किया लेकिन जो मैंने इमेजिन करा था वो आउटकम नहीं आया ठीक है आई इमेजिन की मैं आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक अ कॉक लेकिन आई केम स्लोली लेकिन जितने स्ट्रेंथ से मैंने ताकत लगाकर अपने आप को पुश किया था मैं उतनी तेज नहीं आया मैं बहुत धीरे धीरे आया जब मैंने अपनी आंखें खोली मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा था वाटर दिख रहा था और सिर्फ और सिर्फ डर्टी येलो टू इट बेसिकली पानी दिखे जा रहा था दैट्स इट अब ना मैं बहुत पैनिक करने लग गया था और मैं सोच था, I reached मैं सोचा था आई ग्रैब अ रोप एंड हैंड्स ओनली एट ठीक है बस सोच रहा था कि बस मेरे हाथ में कोई एक रस्सी आ जाए लेकिन उनके हाथ में कोई रस्सी नहीं है उनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा था पानी आ रहा था मैं बहुत ज्यादा सफोकेट कर रहा था मैं कोशिश कर रहा था चिल्लाने की इंपॉर्टेंट है ये आ जाता है बट नो साउंड केम उट ऑफ दॉटर बट नॉट माई माउथ राइट में आंखें और नोज ऑलमोस्ट हल्का ऊपर आ रहा था पानी के ऊपर लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं आ पा रहा था जिस वजह से मैं चिल्लाकर हेल्प मांग पाता ओके दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट जो पहला राउंड था उनका नीचे जाने का क्योंकि वो टोटल थ्री टाइम्स नीचे जाते हैं ओके बॉटम तक

लॉन्ग जर्नी बैक टू बॉटम ऑफ पूल एंड देन अगेन वो वापस से नीचे जाने लग गए थे आई द वॉटर एज आई वेंट डाउन एक्सपैंडिंग माई स्ट्रेंथ वन इन फाइटिस्टेबल फोर्स आई is the second time. अब अब जब वो नीचे जा रहे थे ना ठीक है अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब उनकी सारी सांस खत्म हो गई है अब उनके लंग्स जो थे ना वो दर्द होने लग गए थे मेरा जो हेड था ठक 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 बहुत थ्रॉप कर रहा था और अब मैं बेहोश सा मैं बेहोशी महसूस कर रहा था बट मुझे ना अभी भी स्ट्रैटेजी तो याद थी कि मैं ना बॉटम पर जाकर स्प्रिंग की तरह ऊपर आ जाऊंगा एंड आई वुड लाइक फ्लैट ऑन टू द वॉटर की मैं एकदम पानी पर एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा विल स्ट्राइक आउट टू द एज ऑफ द पूल एंड आई विल बी सेफ ओके की मैं एकदम कोने पर आ जाऊंगा ठीक है मैं अपने आर्म्स के थ्रू और अपने लेग्स को ऐसे थ्रैश करके यू नो व्हाट आई विल डू मैं एज पर आकर मैं आई विल बी सेफ ओके देन आई वेंट डाउन एंडलेसली सेकंड टाइम इट इज मैंने अपनी आंखें खोली मुझे सिर्फ सिर्फ पानी दिख रहा था एंड द येलो ग्लो डार्क वाटर दैट वन कुड यू नो वन कुड नॉट सी थ्रू अब वो इतना ज्यादा डीप था नाइन फीट कैन यू इवन इमेजिन ठीक है तो अब वो इतना नीचे आ चुके थे कि उनको सिर्फ पानी पानी दिख रहा था एंड नथिंग वाज अब ना ये जो टेरर था ना अब उसने मुझे जकड़ लिया था वो टेरर जिसकी कोई समझ नहीं थी जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कोई समझ नहीं सकता था टेरर जिसके कोई कंट्रोल नहीं था टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड not experienced it very important आ जाता है आप इसको अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं कि उनके अंदर इतना ज्यादा टेरर आ गया था कि जिसने ऐसी चीज महसूस नहीं करी है ना ठीक है वो इस डर को समझ ही नहीं सकते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा श्रीक आई वाज श्रीकिंग अंडर वाटर मैं बहुत काप रहा था शिवर कर रहा था और अब मैं पैरालाइज महसूस करने लग गया था बहुत स्टिफ रिजिड टाइट हो चुका था आउट ऑफ फियर ठीक है मेरी जो ची, चीखे थी ना वो भी अब मेरी फ्रोज हो चुकी थी बेसिकली फ्रीज हो गई थी इतनी ज्यादा कि अब उनको उनकी चिल्लाने की आवाजें भी नहीं आ रही थी मेरा सिर्फ जो हार्ट था ना वो ही सिर्फ धक 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 कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी मैं अलाइव हूं अभी मैं जिंदा हूँ एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर उस टेरर के बीच में यू नो देर के मीजन एक दिमाग आया रीजन आया ठीक है

सेकेंड टाइम उन्होंने जम्प लिया बॉटम से रिमेंबर इट द वॉटर वो स्टिल अराउंड में अभी भी पानी मेरे ऊपर ही था मेरे को कोई रोब्स में रोब्स ढूंढ रहा था लैडर ढूंढ रहा था वॉटर विंग्स ढूंढ रहा था मुझे कुछ नहीं मिला मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉटर ही वॉटर दिख रहा था ठीक है स्टार्ट टेरर टू कैन इवन डीपर अब वो जो टेरर था वो जो डर था अब वो और डीप हो चुका था मेरे अंदर एंड कैन यू सी हमारे चैप्टर का नाम भी डीप वॉटर है ओके okay. तो हमारा जो टाइटल है वो बहुत

ऐसे शख करा उन्होंने एयर के लिए एंड उनको क्या मिला सिर्फ और सिर्फ पानी मिला एंड देन द येलो लाइट वाज गोइंग आउट देन ऑल अब सब खत्म हो गया था अब मैं रिलैक्स कर रहा था अब वो जितने एफर्ट्स लगा रहे थे ना थर्ड टाइम अब जब वो नीचे जाने लगे थे अब वो खत्म हो गए थे अब उनके जो लेग्स थे लिंप हो गए थे बेसिकली उनमें कोई जान नहीं बची थी ठीक है एंड ब्लैकनेस स्वेप ओवर माई ब्रेन ठीक है अब काला पंच आ गया था मेरे दिमाग में भी एंड इट वाइप आउट टेरर अब वो डर वर सब निकाल दिया था जितना फियर था जो टेरर था मेरे अंदर वो सब खत्म हो गया था और अब मुझे मैं पैनिक भी नहीं कर रहा था मैं शांत हो गया था और पीसफुल था अब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी से डरना नहीं है दिस इज नाइस आई हैव एक्सेप्टेड इट टू टाइप में जंप भी नहीं कर सकता हूँ एंड आई एम नाउ आई एम रेडी टू स्लीप आई डोंट नीड टू जंप

नाउ ही थॉट दैट अब उन्हें जंप करने की जरूरत नहीं है अब उन्हें कुछ बॉटम को टच करने की जरूरत नहीं है नथिंग ठीक है बिकॉज अब वो एफर्ट्स खत्म हो गए थे उनके अब उनको डर नहीं लग रहा था अब उनको ऐसा लग रहा था भाई थर्ड टाइम नाउ आई हैव नथिंग लेफ्ट एंड मी I can I can go to sleep and I must go to sleep now. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. So basically, ये जो line है very important question में आ जाती है बहुत important है ठीक है और इन्होंने यहाँ पर use करा है curtain of life fell as in कि जब अब उनके सारे efforts खत्म हो गए थे right जब उनके कुछ ताकत नहीं बची थी तब अब you know क्या उन्होंने बोला कि अब वो non-existent महसूस कर रहे थे और अब उनकी life की chapter जो है वो end हो रही थी right अब नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द अब उसके बाद जब उनको नेक्स्ट चीज जो उनको याद है वो है कि वो पूल के साइड में लेटे हुए थे और वोमिट कर रहे थे और वो जो चाप था बेसिकली वो जो लड़का था जिसने मुझे पुश कर दिया था धक्का दे दिया था वो कह रहा था अरे बट मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और कोई जो आसपास था वो ये कहता है कि अरे ये बच्चा नियरली मर चुका था ठीक है, right वो बोलते हैं कि चलो इसको लॉकर रूम में लेकर चलते हैं सेवरल आवर्स लेटर बहुत घंटों बाद में घर गया मैं बहुत वीक था बहुत ट्रेम्बल कर रहा था मैं बहुत रोए जा रहा था और मैं अपने बेड पर लेटा ठीक है मैं कुछ उस रात खा नहीं पाया बहुत सा बहुत दिनों तक मैं बहुत हॉर्न तो रहा था बहुत डर रहा था उस डर से मेरे दिल में बार बार आ रहा था हल्का सा भी थोड़ी सी एग्जोर्शन जो मेरे को स्ट्रेस दे जाती थी वो मुझे बहुत डरा देती थी और मे, मेरे मेरे पैर काँपने लग जाते थे मेरे नीज काँपने लग जाते थे उस डर से ही और मेरे पेट में कुछ अजीब सा होने लग जाता था आउट ऑफ फियर मैं फिर कभी भी पूल में नहीं गया मुझे वॉटर से डर न लग गया और जब जब मैं अवॉइड कर सकता था तब तब मैंने क्या करा अवॉइड करा ठीक ठीक है, है, कुछ साल बाद, जब मुझे पता चला, uh, Cascades के water के बारे में, मैं उसके अंदर जाना चाहता था, या फिर बेदिंग इन वॉम लेक ऑफ द गोट रॉक्स ठीक है ऑल दीज रिमेंबर तो जो डर था ना वो मुझे सीज कर लेता था जकड़ लेता था और वो डर मेरे को वापस आ जाता था ठीक है

हर तरीका मैंने ओवरकम करने के लिए इस फियर को यूज कर लिया था बट ये ना मुझे पकड़ के बैठा हुआ था ये डर लेकिन फिर एक अक्टूबर की बात है जब मैंने डिसाइड कर लिया आई विल विल लर्न टू स्विम एंड हायर एन इंस्ट्रक्टर तो मैं पूल में गया और मैंने फाइव डेज अ वीक प्रैक्टिस करने लग गया और एक घंटा हर रोज देता था वो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मेरा राउंड बेल्ट डाली एक रोप अटैच करी एंड देन थ्रू अ ओवरहेड केबल में फ्लोट uh, करता था विद हिज हेल्प ठीक है वो एक एंड से रोप को पकड़ते थे और हैंड वी बैंक वेंट बैक एंड फोर्थ एंड वीक आफ्टर वीक हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे ऑन ईच ट्रिप ट्रिप अक्रॉस अ पूल पूल बिट ऑफ द पैनिक सीज में 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 बीच बीच ना हर एक, पूल के, एक 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 के ना मुझे वो डर वापस से खींच लेता था लेकिन बाय टाइम आई ट्राई टू यू नो ईच टाइम जो इंस्ट्रक्टर थे वो मुझे रिलैक्स करते थे और मैं पानी के अंदर जाता था यू you नो know, वो ओल्ड टेरर मेरे पास वापस आता था मेरे लेग्स फ्रीज हो जाते थे ठीक है तीन महीनों तक ठीक है इट वॉस थ्री मंथ्स बिफोर थोड़ा कम होने लगी थी और मैंने यू नो वॉट आई डिड मैंने एक्सल इनहेल करना शुरू कर दिया था वॉटर मेंंड्रेड ऑफ टाइम्स ठीक है सो बिट बाई बिट धीरे धीरे करके मैंने अपना जो डर था वो खत्म करा था नेक्स्ट उसके बाद उन लोगों ने क्या इन्होंने क्या करा उनके इंस्ट्रक्टर ने वो उनको साइड ऑफ द पूल लेकर जाते थे और मुझे किक करना सिखाया ठीक है और फोर वीक्स मैंने सिर्फ किक करना ही सीखा और उसके बाद इनिशियली तो मेरे जो लेग्स थे वो काम करना बंद कर गए थे बट देन ग्रेजुअली मुझे भी समझ आया मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट करा दैट आई you know, और वो किक करना सीख गए थे और उन पर कमांड करना उनको आ गया था तो पीस बाय पीस टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने एक उनको स्विमर बनाया था यू नो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल अप्रैल में जाकर अक्टूबर से उन्होंने स्टार्ट करा अप्रैल में जाकर उन्होंने बोला नाउ यू कैन स्विम तुम स्विम कर सकते हो डाइव कर सकते हो यू कैन स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रॉक सब कुछ कर सकते हो तो इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग ही वॉज फिनिश बट आई वॉज नॉट येट फिनिश्ड तो अब भी ना वो वंडर करते थे कि वो टेरर कहीं उनके पास वापस ना आ जाए इसीलिए उन्होंने कोशिश करी

और यू you नो know, मैंने वहां पर डाइव करा एंड देन उसके बाद मैंने टू माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट गया आइलैंड गया देन मैं वहां पे क्रॉल करा ब्रेस्ट स्ट्रॉक करा साइड करा बैक करा एक बारी टेरर आया था ठीक है वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक ठीक है मैंने प, अपना मुंह अंदर डाला और मैंने को कुछ नहीं दिखा सिर्फ बॉटमलेस वॉटर दिखा वो ओल्ड सेंसेशन रिटर्न तो हुआ इन मिनिएचर बट मैं हंस पड़ा और मैंने बोला वेल मिस्टर टेरर डू यू थिंक यू कैन डू टू मी और तुम क्या कर सकते हो मेरा कुछ नहीं कर सकते ओके okay, उन्होंने उस टेरर को ऐसा बोला एंड ही ओवरकेम भी ना मुझे डाउट्स रहते थे तो मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे मैं वेस्ट की ओर गया ठीक है एंड देन उसके बाद यू you नो know, मैं कॉनराट क्रीक ट्रेल पर गया ग्लेशियर गया एंड देन यू नो साइड ऑफ द वॉर्म लेक गया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने क्या करा डाइव करा लेक में एंड टू अदर शोर तक गए जस्ट एज डो कोर प्रॉन Used to do. Okay. तो जैसे डॉक हम डो कॉर्प्रॉन करता करते थे उन्होंने भी वैसा ही करा एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू एको आई हैड कंकर्ड माई फियर और गिलबर्ट पीक पर जाकर उन्होंने क्या बोला एको सुनने के लिए कि मैंने अपना फियर को कंकर कर लिया है राइट right? उस एक्सपीरियंस का मेरे लिए बहुत ज्यादा डीप मीनिंग था और ये सिर्फ वही समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है दोज नोन स्टार्क टेर एंड कंकर जो मैंने कंकर करा है ना इसका मेरे लिए बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है क्योंकि जिन लोगों को वही समझ सकते हैं इन डेथ देर इज पीस ठीक है डेथ में पीस है देर इज टेर ओनली इन द फर ऑफ डेथ ठीक है अगर तुमने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुम शांत हो तुम पीसफुल हो लेकिन देर इज टेरर ओनली इन द फ़ियर ऑफ डेथ डर तभी है जब तुम डर दर से डरते हो बेसिकली बोला था और इन फैक्ट यू नो चाहे आप सदगुरु को ले लो आई एम चैप्टर, इफ यू टॉक अबाउट टॉक अबाउट एनी अदर बाबा जी और गौर गोपाल दास देर द बिग बिग पर्सनैलिटीज जो इन सब चीजों में आपको समझाते हैं दे आर द मोटिवेटर्स दे ओनली टीच यू वन थिंग फ्यर को आपको फेस करना है राइट right? अगर आप अपने फियर को फेस कर लेंगे ना देन यू विल ओवरकम इट राइट एंड दिस इज द ओनली चैलेंज ये चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि डर से आप बाहर तभी निकल सकते हैं जब आप फेस करोगे उसको राइट सो नेवर फियर ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस राइट वंस यू विल फेस इट एक बार फेस कर लोगे देन लोगों विल बी नो फियर रूजरवेल न्यू वेन ही सेट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट हमें जो डरना है ना वो डर से ही डरना है बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस करा है मरने का भी और वो टेरर जो फियर कैन प्रोड्यूस विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी तो वो जो जीने की इच्छा थी ना वो और बढ़ गई थी एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश अ साइड फियर एंड एट लास्ट मैंने जब इतना सब कुछ सीख लिया ओवरकम कर लिया तो अब मैं यू नो ट्रेल्स भी क्लाइंब कर सकता हूँ यू नो आई कैन वॉक टू द ट्रेल्स एंड क्लाइंब दीक्स और कैसे करा बाय फेसिंग द फियर राइट समझ आया आई होप आप लोगों को इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो गई होगी क्योंकि इस चैप्टर में हमने समझा है हाउ टू फेस द फियर दैट्स इट और ये एक रियल स्टोरी थी विलियम डगलस की जो उनके साथ हुआ था एंड जो ड्रेडफुल टू एक्सपीरियंस थे उनके लाइफ के व्हेन ही वाज फोर इयर्स ओल्ड इन कैलिफोर्निया उनके फादर के साथ एंड द अदर इंसिडेंट एट वाई पूल एट द एज ऑफ इलेवन ओल्ड राइट I hope this chapter is pretty clear to you. Thank you so much, everyone. Bye bye. Take care. अपना ध्यान रखिए. शब्बा खैर.